अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा में गुड्डू मुस्लिम है। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है। खबर है कि गुड्डू मुस्लिम भागते भागते थक गया है। वो जल्द ही पुलिस के सामने सरेंडर करने जा रहा है। वहीं गुड्डू के बारे में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। वो जिसके साथ रहा वो जिंदा नहीं बचा। शूटर श्री प्रकाश शुक्ला समेत अन्य गैंगस्टरों के साथ गद्दारी की थी जिससे वे मारे गए थे। गुड्डू मुस्लिम अतीक की पत्नी शाहिस्ता परवीन को बचाने में लगा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम शाहिस्ता परवीन के साथ है। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ही गुजरात या दिल्ली में सरेंडर करने की फिराक में हैं। ऐसे में UPSTF की दो टीमें दिल्ली और गुजरात की ओर रवाना हो चुकी हैं, ताकि अगर दोनों सरेंडर करते हैं तो उन्हें तत्काल अपनी हिरासत में ले सकें। गुड्डू और शाइस्ता को उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो दिल्ली या फिर गुजरात में सरेंडर कर सकता है। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम पुलिस को चकमा देकर फरार है। वो जो फोन इस्तेमाल करता है उसे अपने गुर्गों को देकर दूसरे स्टेट में भेज देता है। इस तरह से पुलिस को उस तक पहुंचने में काफी मुश्किल हो रही है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम पर यूपी पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है। शाइस्ता पर भी 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गुड्डू मुस्लिम को जानने वाले लोग कहते हैं कि धोखा देना उसकी फितरत में है। वो जिसके साथ भी रह रहा है वो जिंदा नहीं बचा। चर्चित बाहुबली अभय सिंह के करीबी रहे रणधीर सिंह लल्ला ने गुड्डू मुस्लिम से जुड़े कई राज से पर्दा उठाया। रणधीर सिंह ने बताया कि गुड्डू की दोस्ती सत्येंद्र जैन से थी। इसके अलावा गुड्डू उनके जानी दुश्मन संतोष सिंह के भी संपर्क में था। 1997 में वो सत्येंद्र सिंह को अम्बेडकर नगर ले गया, जहाँ कुख्यात हिस्ट्री सीटर श्री प्रकाश शुक्ला ने सत्येंद्र सिंह की हत्या कर दी। गुड्डू पर आरोप लगे कि उसने ही सत्येंद्र सिंह की मुखबरी की थी। इसके बाद अगला धोखा वो संतोष सिंह को देता है, जिसको लखनऊ ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मार दिया जाता है। इस मामले में बाहुबली धनंजय सिंह का भी नाम आया था। गुड्डू मुस्लिम को जानने वाले दावा करते हैं कि उसी ने श्री प्रकाश शुक्ला की मुखबरी STF से की थी। अगर उसने असद की मुखबरी की हो या फिर अतीक के दुश्मनों से मिल गया हो तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बता दें कि असफ ने हत्या से ठीक पहले गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था, जिसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि उसने अतीक को धोखा दिया है। अतीक के बेटे असद और गुलाम मोहम्मद का पता उसी ने पुलिस को बताया था, जिसके बाद उन दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया। अतीक अहमद इससे पहले एक बार और गुड्डू मुस्लिम को लेकर मीडिया के सामने खुलासा कर चुका है। गुड्डू मुस्लिम और गुलाम मोहम्मद की उमेश पाल से व्यक्तिगत अदावत हो गई थी, जिसको लेकर गुड्डू मुस्लिम ने उमेश पाल मर्डर को अंजाम दिया। उमेश पाल मर्डर का मास्टरमाइंड गुड्डू मुस्लिम है, उसी ने उसके लोगों को गुमराह कर हत्या करवाई। अतीक ने बेटे असद को भी गुमराह करने का दोष गुड्डू मुस्लिम पर लगाया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।